के पास आया और उसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया कि मैं इसमें वो बैट खुद मतलब चल फिर दौड़ भी रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के साथ दोस्तों आप सभी के सामने। पेशेंट को लगभग 3 से 4 महीने हो गए थे और अब नियरली 5 महीने के आसपास हो गया जब पेशेंट को कमर दर्द की दिक्कत होती थी। साथ ही साथ ये रेडिएटिंग पेन होता था, पेशेंट के पूरे बैक तक और हाथ तक रिफ्लेक्टेड पेन आता था, पैर में नीचे की तरफ पेन चला जाता था। बट बहुत ही सीवियर पेन का ये प्रॉब्लम होती थी जहां पर पेशेंट खुद से अपने ऑफिस नहीं जा पाता था, उनके कलीग उनको आने जाने में हेल्प करते थे और यहां तक कि वॉशरूम वगैरह में बैठने पर भी पेशेंट को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। हर मॉर्निंग में जब पेशेंट उठता था तो बहुत ही क्लासिकल केस था, पहला मोमेंट पेशेंट को प्राण लेवा, इतना ज्यादा दर्द होता था फर्स्ट मोमेंट कि पेशेंट को ऐसा लगता था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो ये जो दर्द की इंटेंसिटी है, फर्स्ट मोशन एग्रावेशन, दोस्तों वीडियो के अंत में मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने क्या दवा दी। अभी फिलहाल आप वीडियो पेशेंट का जो हम लोगों ने आपस में बातचीत की है, आफ्टर रिजल्ट लगभग 1.5-2 महीने हो गए, पेशेंट को 1 महीने की दवा दी थी और पेशेंट लगभग 20-25 दिन का गैप करके दवा का आया है चूंकि बाहर वो टूर पे चले गए थे। तो देखते हैं वीडियो में पेशेंट की क्या प्रॉब्लम थी और कैसा पेशेंट है। पेन होता था कमर दर्द की दिक्कत थी, राइट साइड में पैर से लेके हाथ तक पूरा झंझनाहट होती थी। ठीक है, बहुत दिनों से, लगभग 3-4 महीने से। ठीक है, उसके बाद मैंने एलोपैथिक ली 2-3 महीने के जीएमसी से दवा चलाई, फिर गोमती नगर में प्राइवेट में भी दवा चलाई। गवर्नमेंट के जीएमसी मेडिकल कॉलेज भी और प्राइवेट भी, प्राइवेट में भी गोमती नगर में एक लोग हैं हड्डी के डॉक्टर, वहां से भी मैंने दवा ली। ठीक है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, वो उतना ही देर तक काम करता था जितने देर तक वो दवा का असर करता था, उसके बाद फिर पेन स्टार्ट हो जाता था। फिर हमारे कलीग हमारे बॉस ने सजेशन दिया कि हमें पैथिक भी एक बार ट्राई कर लो। जी। फिर हम आपके पास आए और उसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया कि मैं इसमें वो बैट खुद मतलब चल फिर दौड़ भी रहा हूँ। थोड़ा सा बैक पेन है, पहले आपके बॉस ही आपको पिकअप करने आते थे? यस, पिकअप मुझे लेने आते थे, मुझे ड्रॉप करने आते थे। अच्छा। मैं चल भी नहीं पाता था, बेड से उठ भी नहीं पाता था। और अभी आप कहाँ घूम के आ रहे हैं? अभी हम मानेंगे नहीं आप, मैं अभी वैष्णो देवी से आ रहा हूँ, कल ही आया हूँ यहाँ लखनऊ में, मैं छुट्टी पे हूँ तो वहाँ से चढ़ाई किया हूँ खुद, उसके बाद नीचे आया हूँ वहाँ से नीचे। तो 3-4 महीने पहले जब आपका कमर दर्द हो रहा था तब आपने सोचा था क्या कि मैं कभी जा पाऊँ? नहीं, बिल्कुल भी, बल्कि हमारे कलीग्स को भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं वैष्णो देवी से आ रहा हूँ तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि 2 महीने पहले आपको इतना ज्यादा बैक पेन था कि आप चल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब यही सोचिए कि मतलब इतना ज्यादा मीठी मीठी गोलियों का असर हो गया आपकी दवाइयों का असर। चलिए, बहुत अच्छा है, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लोअर बैक पेन रहता था इनको काफी ज्यादा, हाथ और पैर में रिफ्लेक्ट भी होता था और विद इन 1 मंथ, मुझे लग रहा है कि आप 1 महीने की तो दवा ले गए थे और बीच में थोड़ी गैप भी हो गई, आपने दवा खाई नहीं है, उसके बाद भी आपको रिलैक्स पूरा पूरा है। बहुत क्लासिकल केस है दोस्तों रस्टक्स का। यहाँ पर रस्टक्स 1 mg पोटेंसी में हम लोगों ने यूज की थी, मात्र 2 खुराक रस्टक्स से बहुत ही अच्छा और चमत्कारी रिजल्ट निकला। दोस्तों क्लासिकल केसेस जब मैच होते हैं तो पेशेंट की चाहे जितनी प्रॉब्लम पुरानी हो या पेशेंट कहीं बड़े बड़े डॉक्टर्स या मेडिकल कॉलेजेस या मॉडर्न मेडिसिन खाकर आ चुका हो, बट अगर होम्योपैथी में क्लासिकल केस पिक्चर ऑफ द डिजीज अगर पेशेंट की मिलती है तो वहां पर पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे या ऊपर दिए गए नंबर पर आप परामर्श ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।